हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिश द एक्सप्लोरर में। आज हम लेके आए हैं कि एवेंजर बाइक, एवेंजर क्रूज़ 220 न्यू मॉडल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी बाइक है और मोस्टली लोगों को जब भी इसमें एक सर्विस रिमाइंडर का मैसेज आता है वो और इसका टाइम कैसे सेट करते हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हम इससे आप ईजी से ईजीएस्ट वे बताएंगे कि इसको आप कैसे फटाफट से सेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पर बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको हमारे चैनल्स के अपडेट मिलते रहें और हमारे बहुत सारे वीडियोज़ का आप लाभ उठाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बढ़ते हैं सबसे पहले कि इस बाइक में टाइम कैसे सेट करते हैं। वो टाइम सेट करने के लिए आपको जो दो बटन्स दिए हुए हैं, बटन एम और बटन एस, इन दोनों को आपको साथ में प्रेस करना है कुछ इस तरह से। जैसे ही आपका टाइम ब्लिंक करना चालू करता है, एम से आपको आवर्स चेंज होंगे और आवर्स को आपको AM PM करने के लिए आपको पूरा 12 आवर्स चेंज करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी टाइम हुआ 12:50, तो अभी हम करेंगे एस से। अगर हम उसको प्रेस करके रुक जाएंगे तो इस प्रकार से जैसे ही हो जाता है आपको इन बटन्स को फिर से दोनों को सेट कर देना है। ये हो गया हमारा टाइम सेट। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अभी इसका जो सर्विस साइन दिखा रहा है, सर्विस साइन को कैसे निकालना है बढ़ते हैं अब उसकी तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं, अभी इस सर्विस रिमाइंडर को कैसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन कर देना है और आपको जो ये M बटन दिया हुआ है आप इसको प्रेस कीजिए और उसके बाद आप इग्निशन ऑन कीजिए। तो जैसे ही सर्विस रिमाइंडर ब्लिंक करना चालू कर देगा, वेट करते हैं हम। जैसे ही आपने देखा सर्विस रिमाइंडर का ब्लिंक होना चालू हो गया, तब हम प्रेस करेंगे बटन एस और बटन एस को आपको प्रेस करके रुक जाना है जब तक सर्विस रिमाइंडर साइन चली जाए। ये देखिए अभी सर्विस रिमाइंडर साइन भी आपका यहाँ से चला गया। हम एक बार फिर से चालू करके देख लेंगे कि टाइम और टाइम सेट हो चुका है हमारा और यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर भी अभी नहीं है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपको जो तरीका दिखाया उससे आपका सर्विस इंडिकेशन रिमूव हो सकता है आपके मीटर कंसोल से, और साथ में कैसे टाइम सेट करते हैं वो भी आज आपने सीख लिया। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और बाइक से जुड़ी अगर आपको और कुछ भी जानकारी हो तो आप प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको हमारे चैनल के दूसरे अपडेट्स मिलेंगे कि हमारे दूसरे कौन से वीडियोस हैं। और जनरली हम कुछ अपडेट्स लेके ही आते हैं कुछ गाड़ियों के ऊपर भी, यहाँ तो कुछ हमारे अलग भी ढेर सारे वीडियोज़ हैं इंटरटेनमेंट के ऊपर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अनिश एक्सप्लोरर पर, मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय।